डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस किया। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा ये चैप्टर का, तो अभी जाके देखिए, वरना आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया मैटर क्या है। मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या है? एक मैटर यानी वो चीजें जिनका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उनको मैटर बोला जाता है। और हमने चार प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी मैटर के पार्टिकल्स की। कौन सी? फर्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सेकंड थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। एंड फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो अभी पहले वो वीडियो देखिए, देन ये वाला वीडियो देखो। और हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था, जब किसी मैटर में दूसरा मैटर आके खुद से मिक्स हो जाता है, वो वाली प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। जो कि कौन सी प्रॉपर्टी के वजह से होता है? पार्टिकल के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की, इसके वजह से डिफ्यूजन होता है। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास ये चैप्टर में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिए हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैशियस। तो फर्स्ट है सॉलिड। सपोज ये पेन, ये क्या है? सॉलिड है। अब इसको मैं नीचे गिरा दूं या हवा में फेंक दूं, इसकी जो शेप है, शेप कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, चेंज होगी। सॉलिड की शेप कभी भी चेंज नहीं होती। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका शेप एकदम फिक्स होता है। तो जो सबसे पहले आज हम यहाँ सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉलिड की शेप कैसी होती है? अभी मैंने बताया, ये सॉलिड को भले मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी तो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो शेप कैसा होता है सॉलिड का? फिक्स फिक्स शेप होता है। सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है? एकदम फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। और एनर्जी, अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम देखते हैं। सपोज जो मैटर है उसके पार्टिकल्स से बने हैं मैटर। मैटर किससे बना है? मैटर बना है पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते, हिलते रहते पार्टिकल्स। जब पार्टिकल मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हमने देखा जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स है वो काफी क्लोजली अरेंज है, एकदम पास पास में पार्टिकल्स अरेंज है। तो ज्यादा स्पेस नहीं है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है मूवमेंट के लिए। तो ये जो सॉलिड होंगे इनके पार्टिकल में मूवमेंट कैसा होगा? नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा। लेकिन होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो चार प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में डिस्कस की थी, जो पार्टिकल्स की चार प्रॉपर्टीज थी, वो हर स्टेट ऑफ मैटर पे लागू होगी। भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो कि गैसियस हो, तीनों स्टेट पे मैटर करती है। तो भले ये सॉलिड है, इसमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे। अब आप बोलोगे मैम कैसे करेंगे? तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है, लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, वो एक जगह ही वाइब्रेट करेंगे। ऐसे वाइब्रेट करेंगे, मूवमेंट तो होगी लेकिन कैसी होगी? लेस होगी। एज कंपेयर टू, हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे वो किसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे? सॉलिड लिक्विड गैसियस, तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो सॉलिड में कैसा होगा मूवमेंट? बहुत ही ज्यादा लेस। लेस यानी नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होगा, एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसियस। जो सॉलिड के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? ना के बराबर होगा, लेकिन मूवमेंट होगा। भले ही ना के बराबर, लेकिन मूवमेंट होगा।
देन है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी किसी भी चीज को हम कैसे कंप्रेस करते, दबा सकते हैं। अब ये जो है सॉलिड है, इसको मैं कितनी भी जोर से दबाऊं, क्या इसका शेप चेंज होगा, ये कंप्रेस होगा, दबेगा? नहीं। जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं? कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। तो क्या आएगा? नॉट कम प्रेसी बल, नॉट कंप्रेसिबल। ये कैसे होते हैं? इनको कंप्रेस हम नहीं कर सकते, ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। देन है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो सॉलिड्स है उसके जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा क्लोज अरेंज होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप के अरेंज होते हैं और लिक्विड के कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। और गैस का तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, पार्टिकल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैसियस में, फिर आता है लिक्विड, देन सबसे कम होता है सॉलिड्स में। तो इनका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? क्लोजली क्लोजली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं। देन है फ्लुइडिटी। फ्लुइडिटी यानी बहना। अब सॉलिड है, सॉलिड कोई भी सॉलिड चीज को, सपोज ये पेन को अगर मैं किसी माउंटेन पे रख देती हूँ, मैं एक वीक जाने के बाद भी अगर मैं जाके देखती हूँ तो माउंटेन पे ये ऐसा के ऐसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं वहां पे वॉटर वॉटर ढोल देती हूँ तो क्या होगा? वो फ्लूइड है। फ्लूइड क्या है? लोअर हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो होता है, हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो होता है। सॉलिड्स कभी भी फ्लूइड नहीं होते हैं, सॉलिड कभी भी बह नहीं सकते। नॉट फ्लूइड। सॉलिड कैसे होते हैं? नॉट फ्लूइड, सॉलिड बहते नहीं है। धन है मूवमेंट। अब सॉलिड्स का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा क्लोज है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा नहीं है, तो मूवमेंट कैसा होगा एज कंपेयर टू गैसियस और लिक्विड? सॉलिड के पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा लेस होगा। नाउ इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू लिक्विड और गैशियस। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेस। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, सबसे देखिए अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैशियस में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स प्रेजेंट होता है सॉलिड में, देन लिक्विड, और सबसे कम और वीक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है सॉरी गैशियस में। गैशियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे सॉलिड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कैसा होता है? मैक्सिमम एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैशियस। अब डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड की क्या होती है? सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैशियस। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की होती है, देन लिक्विड, और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। तो डेंसिटी सॉलिड की कैसी होती है? मैक्सिमम। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब मैंने खुद ही बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन कब होता है? जब एक मैटर में दूसरा मैटर अपने आप मिक्स हो जाए, खुद से मिक्स हो जाए। और मिक्स कौन सी प्रॉपर्टी के वजह से होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, तो मूवमेंट भी कम होता है, तो डिफ्यूजन कैसा होगा? नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा। सॉलिड के जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा हाई है, तो वो मूवमेंट ज्यादा शो नहीं करेंगे, तो डिफ्यूजन भी नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर। तो हमने सॉलिड में देखा कि सॉलिड का शेप कैसा है? फिक्स है,
एनर्जी कैसी है एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। एनर्जी सॉलिड की कैसी होती है? लेस, नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर। कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड को हम कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते। देन आता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं। देन है फ्लूइडिटी। अब सॉलिड्स कभी भी फ्लूइड नहीं होते हैं, कभी भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाते हैं। मूवमेंट, अब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो काफी ज्यादा क्लोजली अरेंज होने के वजह से मूवमेंट भी ज्यादा शो नहीं करते। मूवमेंट होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। तो कैसा होता है? लेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, अब जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा पास पास में अरेंज है, क्लोजली अरेंज है, तो क्या होगा, उनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, लेस है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है इसमें सॉलिड में? मैक्सिमम है एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। देन है डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड की मैक्सिमम है। देन आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही कम मूवमेंट है, बहुत ही जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा लेस है, इसलिए डिफ्यूजन का भी रेट एकदम नेग्लिजिबल है। अब हम देखेंगे सॉलिड का हमने डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे लिक्विड। ना लिक्विड का शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। सपोज अगर मैंने एक ग्लास में वाटर लिया, अब मैं उसको गिरा दूंगी, तो पहले वो मेरे ग्लास के शेप का था, जो मैंने हाथ में ग्लास लिया उस शेप का था। अगर मैंने नीचे गिरा दिया तो वो ऐसे फैल गया, उसका कोई शेप ही नहीं है। तो जो लिक्विड होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, नॉट फिक्स। नाउ एनर्जी। एनर्जी कैसी होती है? देखिए लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इनके बीच में क्या है? स्पेस है, लेकिन गैसियस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो गैसियस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है मूवमेंट पार्टिकल का, तो एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। अब ये लिक्विड क्या है? दो फ्रेंड्स के बीच में फंसा हुआ एक फ्रेंड है। दो, एक गैस है एक सॉलिड है, दोनों के बीच में फंसा हुआ ये फ्रेंड है लिक्विड, जिसका हर चीज क्या होता है, न ज्यादा न कम, मीडियम। तो इसका मूवमेंट एज कंपेयर टू सॉलिड और गैस कैसा होगा? मीडियम। नाउ कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन एकदम ना के बराबर, नेग्लिजिबल। सपोज अगर इतना पानी है तो उसको ऐसे दबा, लिक्विड को मतलब ना के बराबर दबा सकते हैं। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सा होता है? गैस। गैस को, इतना सारा गैस है उसको हम कंप्रेस करके एक सिलेंडर में फील कर सकते हैं, जैसे सीएनजी एलपीजी, इनको कंप्रेस करके हम गैस को फील कर सकते हैं। लिक्विड क्या है? मुश्किल है, नेग्लिजिबल है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इसकी? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। नाउ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट कैसा है मॉलिक्यूल्स का, आपको मैंने अभी शो किया। जो इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट है लेकिन गैशियस जितना नहीं और ना ही कम सॉलिड जितना। सॉलिड में तो बहुत ही लेस स्पेस था इंटर पार्टिकल के बीच में, और गैसियस में बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें कैसा है? मीडियम। वेट अ सेकेंड, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो कैसा है? थोड़ा हम बोल सकते हैं कि गैसियस जैसा भी नहीं है और ना सॉलिड जैसा है, तो कैसा है? अरेंजमेंट लाइक, वेट अ सेकेंड, पार्शली अरेंज, एक वर्ड है पार्शली, पार्शली अरेंज यानी थोड़ा दूर दूर अरेंज है लेकिन
गैसियस के जैसे बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं। देन आता है फ्लूइडिटी। अब फ्लूइड, लिक्विड तो फ्लूइड होता ही है, लेकिन कैसा? लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। अगर मैं नीचे से ऊपर डालती तो ऊपर फ्लो नहीं होगा, नीचे ही आएगा ग्रेविटी के वजह से। तो फ्लूइड कैसा और लिक्विड जो है, ये लिक्विड स्टेट में फ्लूइडिटी कैसी है? हाई टू लो फ्लो करेगा। अगर मैं किसी ऊपर वाली हाई हाइट से डालती हूँ तो नीचे की साइड आएगा, नीचे से कभी ऊपर वाटर नहीं जाएगा, वाटर यानी लिक्विड। तो फ्लूइडिटी कैसी है? हायर टू लोअर लेवल, हाई लेवल से लो लेवल मूवमेंट करेगा। ऐसे ऐसे फ्लूइडिटी फ्लो करेगा लिक्विड में, ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन कैसे? हाई से लो। देन है मूवमेंट। अब इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो मूवमेंट कैसा होगा? मीडियम। अब इंटर पार्टिकल स्पेस, ना गैसियस जितना ज्यादा स्पेस है, ना सॉलिड जितना कम स्पेस है। कैसा स्पेस है यहाँ पे? मीडियम। इसमें मोस्टली सारे में मीडियम ही आएगा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड गैसियस। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, लेकिन सॉलिड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है और गैसियस जितना वीक नहीं है। तो अट्रैक्शन कैसा है? अट्रैक्शन भी यहाँ पे हो गया मीडियम। देन डेंसिटी। डेंसिटी कैसी है? अब लिक्विड की डेंसिटी ना सॉलिड के जितनी ज्यादा मैक्सिमम है, ना गैसियस के जितनी एकदम लेस है। सॉलिड की मैक्सिमम है और लिक्विड गैसियस के सबसे ज्यादा लेस है। तो लिक्विड की कैसी होगी? मीडियम। देन आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें होता है लिक्विड एक मैटर में दूसरे मैटर में खुद से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। सॉलिड जैसा तो है नहीं, क्लोजली अरेंज है तो मूवमेंट ज्यादा होगी, लिक्विड में मूवमेंट होती है लेकिन गैसियस जितनी नहीं। तो ये भी कैसा शो करेगा? मीडियम। नाउ हमने लिक्विड में क्या देखा? लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है। हम कभी कहीं जाते हैं तो हम पानी पीते तो 100 ml वाटर, 50 ml वाटर, 1 L पानी। तो ये जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का हमेशा फिक्स होता है। शेप भले फिक्स ना हो, लेकिन वॉल्यूम हमेशा लिक्विड का फिक्स होता है। देन हमने देखा एनर्जी कैसी है लिक्विड में? मीडियम। कंप्रेसिबिलिटी कैसी है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर, लेकिन कंप्रेस हो जाता है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है? स्पार्सली, थोड़ा दूर दूर रहता है अरेंज। इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट है लेकिन गैसियस जितने नहीं। नाउ फ्लूइडिटी। फ्लूइड है बहना, फ्लूइडिटी यानी बहाव, बहना। तो कैसा है ये? फ्लूइड है लेकिन कैसा? हायर लेवल टू लोअर लेवल, हाई लेवल से लो लेवल फ्लो होके आ सकता है। गैस के जैसा नहीं कि कहीं पे भी चारों दिशा में फैल गए, ऐसा नहीं। नाउ मूवमेंट। मूवमेंट कैसा है? मीडियम है। सॉलिड में एकदम लेस था, नेग्लिजिबल, गैसियस में बहुत ज्यादा होता है। तो लिक्विड में कैसा है? मीडियम। इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है? इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में बहुत ही कम था, गैसियस में बहुत ही ज्यादा ज्यादा होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। और लिक्विड में कैसा है? मीडियम। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में कैसा है? मीडियम है, और गैसियस में मैक्सिमम है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, सॉरी, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में मैक्सिमम है, लिक्विड में मीडियम है, और गैसियस में नेग्लिजिबल है। अट्रैक्शन जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर है गैसियस में, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल के स्पेस जो बिटवीन का जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा है इस वजह से। नाउ डेंसिटी। डेंसिटी क्या है लिक्विड की? मीडियम एज कंपेयर टू सॉलिड एंड गैसियस।
मैक्सिमम किसकी थी? सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम, गैसियस की डेंसिटी लेस और लिक्विड की मीडियम। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में नेग्लिजिबल, ना के बराबर, गैसियस में एकदम हाई होता, हाई रेट में मैक्सिमम, और लिक्विड में मीडियम, मोस्टली लिक्विड में सब मीडियम ही है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट का। नाउ गैसियस की जो गैस है उसका शेप कभी फिक्स होता है? देखिए, सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स नहीं होता। और गैस, गैस सपोज अगर मेरे हाथ में कोई बलून है, अगर उसको मैं ओपन करती हूँ तो गैस तो चारों दिशा में फैल जाएगी, उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। तो क्या शेप कैसा है? नॉट फिक्स्ड। नाउ एनर्जी, एनर्जी मैंने पहले ही बताया, एनर्जी तभी प्रोड्यूस होती है जब पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और पार्टिकल्स के मूवमेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैसियस में। गैसियस में क्या, एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है, तो उनका मूवमेंट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल बीच में जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से एनर्जी क्या होती है गैसियस में? मैक्सिमम। जो एनर्जी जो गैस में होती है मैक्सिमम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स को मूवमेंट के लिए काफी ज्यादा स्पेस मिल रही है, और काफी ज्यादा मूवमेंट होगी, ज्यादा मूवमेंट होगी ज्यादा एनर्जी, कम मूवमेंट होगी कम एनर्जी। कंप्रेसिबिलिटी, अब हम गैस को कंप्रेस कर सकते, कंप्रेस करके कहीं फील कर सकते, या सब कॉस कर सकते हैं। सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, हम जो गैस यूज करते हैं कुकिंग के लिए वो वाला गैस हो गया, तो गैस को क्या हम कंप्रेस कर ले कर सकते हैं? तो कैसा? हाईली कंप्रेसिबल। तो क्या होता है, जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसको हम इजीली कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर में फील कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है? काफी ज्यादा दूर दूर, बहुत ही ज्यादा, सपोज एक पार्टिकल इधर है तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर अरेंज है। तो कैसा, तो क्या आएगा? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आर वेरी फार टू ईच अदर। मॉलिक्यूल कैसे, बहुत ही ज्यादा दूर है एक दूसरे से, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है। नाउ फ्लूइडिटी, हाईली फ्लूइड होगा गैस, क्योंकि देखो सॉलिड तो फ्लूइड है ही नहीं, लिक्विड कैसा है? हाई लेवल टू लो लेवल ही फ्लो होगा। और गैसियस कैसा है? सपोज मैंने पहले ही बताया, अगर बलून को मैं ओपन कर दूं तो चारों दिशा में फैल जाएगा, चारों दिशा में ही फ्लो हो जाएगा वो। तो कैसा है फ्लूइडिटी, कैसी है इसकी? मैक्सिमम। इसका कोई रूल नहीं कि मैं हाई से लो फ्लो होऊंगा या लो से हाई। जैसे गैसियस को हम ओपन करेंगे या बलून जैसे ओपन करते हैं, तो चारों दिशा में फैल जाएगा, कोई मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे ही ओपन किया चारों दिशा में फैल गए, उस टाइप का है। मूवमेंट, मूवमेंट कैसा होगा? अब ये पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है, तो मूवमेंट कैसा होगा? मूवमेंट होगा मैक्सिमम। अब इंटर पार्टिकल स्पेस, जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो कैसा होगा? इसमें बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, मैक्सिमम होगा इसमें, इंटर पार्टिकल स्पेस होगा मैक्सिमम। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, अब पार्टिकल पार्टिकल बहुत ही ज्यादा दूर है, सपोज दो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा दूर है, तो क्या होगा? वो खाली फोन से बात करेंगे। पहले क्या था, सॉलिड में जब दो फ्रेंड्स थे, सॉलिड के जैसे जब दो फ्रेंड्स थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में ट्यूशन जाते, सब जगह साथ में थे।
अब सपोज एक फ्रेंड चला गया 11th में, उसने साइंस ले ली, एक फ्रेंड ने कॉमर्स ले ली, तो क्या फ्रेंड फ्रेंड के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस आ गया, तो क्या होगा, मूवमेंट बहुत ही ज्यादा कम होगी, जो अट्रैक्शन, अब जो मिलना जुलना होगा दोनों फ्रेंड का खाली फोन तक ही रह गया, बाकी और नहीं होगा। तो कैसा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, कौन कैसा होगा, मिनिमम। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी मैक्सिमम थी सॉलिड की, देन मीडियम थी लिक्विड की, और ये डेंसिटी गैस की कैसी होगी, लेस। लेस यानी मिनिमम। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम था सॉलिड में, देन मीडियम था लिक्विड में, और गैसियस में डिफ्यूजन कैसा होगा, मैक्सिमम। नाउ ये तो हमने तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब क्या ये तीनों स्टेट्स जो है सॉलिड क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, क्या गैसियस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या ये जो तीन मैटर, तीन स्टेट ऑफ मैटर जो मैंने बताया, क्या वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं, लेकिन दो वे में ही हो सकते हैं। या तो अगर हम वो मैटर को हीट देते हैं, हीट यानी एनर्जी, हीट एज अ एनर्जी, अगर हम हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। या तो अगर हम वो स्टेट ऑफ मैटर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, या तो टेम्परेचर चेंज करने पे होगा या तो प्रेशर के थ्रू होगा, दो ऑप्शंस है हमारे पास। तो चलो देखते हैं, सपोज कोई सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड यानी सपोज हमने आइस क्यूब ले ली, आइस क्यूब फ्रीजर में थी, रुको, सपोज ये एक बीकर है, इसमें मैंने आइस क्यूब्स ले लिए, जब हमने फ्रीज था, जब वो आइस क्यूब फ्रीजर में थी, तब टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, हमने बाहर लेके आए, हमने फ्रीजर में से आइस क्यूब बीकर में डाल दी, तो टेम्परेचर धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस क्यूब होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हीट देते हैं, सपोज थोड़ा चेंज है, ये बीकर है, इसमें हमने आइस क्यूब्स लिए, आइस क्यूब्स को जब हमने निकाला तब टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने क्या किया, हमने पहले ही बोला दो चीज, या तो टेम्परेचर से हम चेंज कर सकते स्टेट ऑफ मैटर, या तो बाय प्रेशर, या हम फर्स्ट किसका देख रहे हैं, टेम्परेचर के थ्रू। तो हम क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमने नीचे क्या बर्नर सेट कर दिया, ये एक बर्नर, हमने आग लगा दी नीचे, तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर, यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी हमने ऐड कर दिया टेम्परेचर देखने के लिए कि टेम्परेचर क्या हो गया, कौन सा टेम्परेचर पे आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो रही है, तो हमने यहाँ पे थर्मोमीटर भी ऐड कर दिया। नाउ क्या होगा, जो क्यूब्स है यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, ये थर्मोमीटर है, पहले -10 डिग्री सेल्सियस था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया टेम्परेचर जो आइस क्यूब है उसका, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस क्यूब होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है एट नॉर्मल प्रेशर, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कोई प्रेशर नहीं है, खाली वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जो है
वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जो आइस क्यूब है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। देन क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है वो लिक्विड आइस क्यूब क्या हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। देन हम इसको और हीट देंगे, चलो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सारी लिक्विड्स जो थी, क्यूब्स जो थे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। देन सारे लिक्विड्स ये रहे। देन अगेन हम उसको हीट देते रहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस था, देन 50 हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस हुआ। देन आ गया जब वो हुआ, ये थर्मोमीटर आ गया, एक टाइम जब हुआ उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री हमको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ये है, ये जो टेम्परेचर आया, पहले क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मेल्ट हुआ, जिसको हमने बोला मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है बॉइल होके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या, वाटर बॉइल होके वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया गैसियस फॉर्म में। ये हमने किसके थ्रू किया, ये हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके, पहले हमने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड किया, देन लिक्विड से हमने किया गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ही, अब टेम्परेचर पहले हमने इंक्रीज करके सारे स्टेट चेंज किए, अब हम टेम्परेचर डिक्रीज करके करेंगे। अब हमको रिवर्स में जाना है, पहले हम आए सॉलिड लिक्विड गैसियस, अब हम करेंगे गैसियस लिक्विड सॉलिड। अब हमको वापिस से स्टेट चेंज करना है, सपोज हमारे पास वाटर वेपर है, बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो अब उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब हम कूल करेंगे, बहुत ही ज्यादा कूल टेम्परेचर होगा, तो जो गैसेस होंगे, वाटर वेपर्स होंगे, वो अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स के ड्रॉपलेट्स में। देन वही ड्रॉपलेट्स को, वही लिक्विड को, जो वेपर थे उसको हमने कूल किया, वाटर वेपर को कूल किया, दो वो लिक्विड हुए। लिक्विड को अगर हम फ्रीजर में डाल देते तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। पहले हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके स्टेट चेंज किया, देन हमने टेम्परेचर डिक्रीज करके भी स्टेट चेंज किया। लेकिन एक ट्विस्ट है, जब हमने आइस क्यूब्स लिए, उसमें उसमें जब थर्मोमीटर ऐड किया, नीचे से हीट दिया, तब क्या हुआ, 0 डिग्री तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक थर्मोमीटर ने बताया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमने फिर भी हीट देते रहे, देते रहे, कंटिन्यूअसली हम हीट दे रहे थे आइस क्यूब को, लेकिन थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा था। तो जो हम हीट दे रहे थे वो कहाँ छुप जा रही थी, कहाँ चली जा रही थी, थर्मोमीटर का टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा था। मैंने बीकर लिया, इसमें आइस क्यूब डाली, नीचे से हीट दे रही हूँ, कंटिन्यूअसली मैं हीट दे रही, फिर भी थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों क्यों नहीं हो रहा, मैं बताती हूँ। जो पार्टिकल्स थे, जैसे ही हीट आ रही थी, एनर्जी मिल रही थी, हीट यानी एनर्जी होती, जैसे ही हीट हम सप्लाई कर रहे थे कंटिन्यूअसली, जो पार्टिकल है आइस क्यूब्स के, वो जैसे ही हीट आई थी, मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, ऐसे जैसे ही हीट आ रही थी वैसे ही वो हीट को क्या कंज्यूम कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे। वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, कहाँ छुप जा रही थी हीट, वो हीट आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स ले रहे थे और उसको यूज कर रहे थे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को ब्रेक करके खुद को लिक्विड में कन्वर्ट करने में वो पार्टिकल्स यूज कर रहे थे। मैं हीट दे रही हूँ, इसमें आइस क्यूब्स है, जो आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स है वो ही, वो जो हीट हम नीचे सप्लाई कर रहे थे, एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, वो
जो आइस क्यूब्स के जो पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर ले रहे थे, और खुद का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो ब्रेक करके खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। जब तक पूरा आइस क्यूब सारी मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक थर्मोमीटर में हमको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलता है, जब तक सारी आइस क्यूब्स कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये जो हीट हमने सप्लाई किया, जो हीट सप्लाई किया स्टेट को चेंज होने में, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, द हीट रिक्वायर्ड बाय मैटर टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम, सपोज ये क्या है, हम हीट अप्लाई कर रहे हैं नीचे से, लेटेंट हीट क्या होती है, हीट अप्लाई, हीट कंज्यूम बाय अ मैटर टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमको पता चल गया कि उतनी हीट, उतना टेम्परेचर किसी भी मैटर जब कंज्यूम करता है, उसको चाहिए होता है खुद का स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए, उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है इसमें भी, सॉलिड से आइस क्यूब सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना लेटेंट हीट लगा उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, द हीट रिक्वायर्ड बाय मैटर टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो हमने सॉलिड से क्यूब से जो लिक्विड में कन्वर्ट किया उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन जो हीट जो लिक्विड ने एब्जॉर्ब की और क्या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया खुद को, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हीट जो स्टेट ऑफ मैटर कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है खुद को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो खुद को लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमने यहाँ कुछ 4 टॉपिक डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन आता है, अब यही हम कूल किए, जब हमने वाटर वेपर को कूल किया तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। जैसे ही लिक्विड लिक्विड हो गया हमारे पास, अब उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस को बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। जब हमने सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तब हमने उसको हीट दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया। लेकिन जब हमने गैसियस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना था, तब हमने उसको कूल किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, ठीक है। देन आता है कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो खुद को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करते, वो बोलते हम तो लेजेंड इंसान है, हम तो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जाएंगे। तो वो क्या, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, खुद को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते ही नहीं, लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा नेप्थलिन्स की बॉल होती है, नेप्थलिन की बॉल हम क्लोथ्स में रखते हैं, फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं, महीने 2 महीने बाद देखते हैं बॉल गायब, ना वहां पे कुछ पानी है कुछ नहीं, हमको जो स्मेल आती है नेप्थलिन बॉल की जो स्मेल आती है, बाकी वहां पे क्या होता है, बस स्मेल आती है। बॉल हमने रखा था, फिर हमने कुछ टाइम बाद देखा, महीने 2 महीने बाद देखा तो बॉल गायब, तो बॉल गई कहाँ, ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हुई होती तो जो हमारे क्लोथ्स में हमने नेप्थलिन की बॉल रखी वो थोड़े गीले होते, पर ऐसा नहीं, जो नेप्थलिन की बॉल्स होती है ना वो क्या, खुद को डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जैसे नेप्थलिन की बॉल हो गई, आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गई, ये सारे जो मैटर्स है, मैटर्स वो खुद को सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते ही नहीं है, ये सारे क्या है, लेजेंड्स हैं। देन आता है
इवापोरेशन। अब लास्ट टॉपिक चैप्टर का इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन इज द फिनोमिना, इवापोरेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें क्या, द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या, जो लिक्विड्स होते हैं वो किसी भी टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट से पहले। उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, हमने जनरली यही देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, बॉइल होना स्टार्ट होगा, तभी वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बट इवापोरेशन वाले फिनोमिना में ऐसा नहीं है। इवापोरेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, जो लिक्विड होता है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ही पहले किसी भी टेम्परेचर पे खुद को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ये तो मैजिक हो गया। अब कैसे देखते हैं, सपोज क्या होता है, सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉटर है, ये वॉटर के पार्टिकल्स हो गए। अब इवापोरेशन में क्या होता है, जो वॉटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वॉटर के जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ये जो पार्टिकल्स होंगे वॉटर के सरफेस पे, उनके जो एनर्जी है वो एज कंपेयर टू जो नीचे के पार्टिकल्स होंगे वॉटर के, उनके कंपेरिजन में उनके पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तब उनके पास एनर्जी ज्यादा है और हमको इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उनके पास ऑलरेडी एनर्जी है, जो ऊपर के जो सरफेस है, वाटर पार्टिकल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट है उनकी एनर्जी वैसे ही हाई है, और एटमोस्फियर से अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी कहीं ना कहीं से, एटमोस्फियर से, सराउंडिंग से, कहीं से भी अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, तो अपना इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक करके खुद को क्या, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही होता है इवापोरेशन में। तो इवापोरेशन पे कौन से ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, तो आता है सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इससे एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज आपकी मम्मी ने अगर आपको बाहर कपड़े सुखाने के लिए बोले हैं, तो मम्मी ने क्या बोला, अच्छे से फैला के कपड़े सुखाना। और आपने सोचा कपड़े सुखाने ही तो है, फैलाने की क्या जरूरत, आपने जैसे तैसे कपड़े सुखा दिए, तो क्या ही फ्लाइंग चप्पल आएगा। क्या करना है आपको इसमें, लॉजिक क्या है, जो कपड़ा है जैसे सरफेस इंक्रीज होगा, सपोज ये बीकर का इतना सरफेस था, तो जो उसके ऊपर के पार्टिकल्स थे सरफेस वाले, उनके पास ज्यादा एनर्जी थी। अब बीकर की जगह ये टम्बलर होगा, तो इसके जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे ज्यादा होंगे। यही पानी अगर हम किसी प्लेट में डाल देते हैं, तो उसके जो सरफेस के होंगे, सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे एज कंपेयर टू बीकर, तो जल्दी इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन क्या, जल्दी होगा, क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा है सरफेस पे, तो उनके पास एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, ज्यादा पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी, ज्यादा इवापोरेशन ये होगा। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो इवापोरेशन भी ज्यादा होता है। सेकंड है टेम्परेचर। अगर हमको पता ही है, अगर हम हाई टेम्परेचर देंगे, पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होता है, मूवमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, उनके पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि तो पार्टिकल मूव करते हैं तभी उनके पास एनर्जी होती है। और टेम्परेचर ज्यादा है, हीट मिली, एनर्जी मिली, टेम्परेचर इंक्रीज है, तो पार्टिकल्स ने अपने इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का जो फोर्स, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करा और खुद को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसलिए मम्मी बोलते कि गर्मी के दिनों में कपड़े क्या है, जल्दी सूखते, क्यों, टेम्परेचर हाई होता है और सरफेस एरिया तो हम अच्छे से प्रोवाइड करते ही, अच्छे से कपड़े फैला के सुखाते, इसलिए हमारे जो कपड़े क्या है, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। देन आता है ह्यूमिडिटी, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे विंड। अब विंड क्या, जब विंड स्पीड ज्यादा होती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो विंड क्या, साथ में लेके मूव करता है। सपोज यहाँ से विंड आ रही है, तो जो यहाँ वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, विंड उनको साथ में लेके आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं, जब हवा ज्यादा चलती है तब भी हमारे कपड़े बहुत जल्दी
सूख जाते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी यानी एटमोस्फियर में जो वाटर के ड्रॉपलेट, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। सपोज एक इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे 5 लोग हैं और एक बस है, उसमें 10 सीट है, 10 सीट्स है। एक बस है उसमें 10 सीट है, यहाँ पे 5 लोग वेट कर रहे हैं। अब ये बस आई, देखा तो पता चला कि 4 सीट पे तो, या 4 सीट पे तो, 1 मिनट, 4 सीट नहीं, 10 सीट्स है बस के पास, 5 लोग इंतजार कर रहे हैं। पता चला कि 9 लोग तो ऑलरेडी बस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या एक ही जाएगा इंसान बस में बैठने के लिए, बाकी 4 तो ऐसे ही रह जाएंगे। यही होता है ह्यूमिडिटी में। मैं बताती हूँ, बस थी, 10 जन की सीट थी, 9 जन पहले से ही बैठे हुए थे, यहाँ पे 5 जन वेट कर रहे थे बस का, 1 जन की सीट ही बची थी बैठने के लिए, 1 जन जाके बैठ गया, बाकी सब वहीं के वहीं धरे रह गए। तो यही होता है ह्यूमिडिटी। जब एटमोस्फियर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, तब हम जब गीले कपड़े डालेंगे, तब गीले कपड़े में क्या होगा, वेपराइजेशन कहाँ से होगा, एटमोस्फियर में ही वाटर के जो वेपर से ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो हमारे कपड़े में वाटर है वो एटमोस्फियर में कहाँ से जाएगा। इसलिए बोला जाता है रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि एटमोस्फियर में ही वाटर के वेपर्स, वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हम कपड़े सुखाएंगे गीले, तो उसमें से वेपराइजेशन तो होगा ही नहीं, कूल रहेगा। और कूल टेम्परेचर पे क्या होता है, इंटर पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, तो वेपराइजेशन होगा ही नहीं। जब जैसा बस, जैसा बस में जगह ही नहीं है तो बाकी लोग बैठेंगे कहाँ से, उसी तरह एटमोस्फेयर में ऑलरेडी काफी वाटर है, तो हमारे कपड़े में से वाटर एटमोस्फेयर में वेपराइज होके कहाँ से जाएगा। देन आता है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवापोरेशन के वजह से कूलिंग कैसे होती है, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में वो एसीटोन होता है, जब हम उसको रब करते रुई से, नेल पॉलिश रिमूव करते, तब हमको एकदम कूल फील होता है। कैसे, तो क्या होता है, जब एसीटोन हमारे स्किन से कम टच में आता है, तो जो हमारे बॉडी में जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है एसीटोन, और खुद को वेपराइज फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। और पीछे क्या, टेम्परेचर उसने हमारे बॉडी का एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब की हमारे बॉडी की, और खुद को क्या किया, वेपराइज फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करा, और पीछे क्या छोड़ दिया, कूलिंग इफेक्ट। जब किसी जगह से हीट जो है लिक्विड वो एब्जॉर्ब करके खुद को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो पीछे क्या छूटेगा, कूल ही छूटेगा। अब सपोज समर में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो खुद की छत पे पानी फेंकते हैं, पूरा पानी छिड़कते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होगा, हम पानी डालेंगे तो जो हीट है, जो छत गर्म है, वो हीट सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा टेरिस क्या होगा, कूल हो जाएगा। और ये भी बोला जाता है कि गर्मियों के सीजन में कॉटन के क्लोथ्स पहने जाते हैं। ऐसा क्यों, अब कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे तो हम, गर्मियों के सीजन में जनरली सबको स्वेटिंग होती है, और कॉटन के क्लोथ्स में क्या, स्वेटिंग हुई, कॉटन का क्लोथ्स क्या हुआ, गीला हुआ स्वेटिंग के वजह से। तो क्या होगा, जैसे ही वो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और खुद को वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और पीछे क्या, कूलिंग इफेक्ट देगा। ये है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। ये आपको पता चल गया होगा कि इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है। अब कहीं हम लिक्विड डालेंगे, वहां की हीट एब्जॉर्ब करके वो खुद को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, तो पीछे तो कूलिंग इफेक्ट ही आएगा ना। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और मैंने देखा आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते, अब आओ वीडियो देखो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।